24 किलोमीटर चढ़ने के बाद थककर सोचा था कि अब पैदल यात्रा नहीं कर पाऊंगा, पर अब तो दोबारा वही यात्रा करने का मन हो रहा है। हर हर महादेव। महसूस खुद को मैंने किया जब तू हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे, सोनप्रयाग में है। अभी टाइम हुआ है 2:30। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी जाना है हमको यहाँ से चढ़ाई करने है बाबा की। बारिश हो रही है बाहर, अभी बाहर जाके रेनकोट परचेज करना क्यों। जय बोले अभी टैक्सी के अंदर, अब यहाँ से निकलेंगे सीधे और गोरीकुंड में उतरेंगे, वहाँ से हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ से 4 किलोमीटर में जाएंगे टैक्सी से। बोलो केदारनाथ महाराज के, हर हर शंभू, भोले शंभू, हर शंभू, जय श्री महाकाल, जय महाकाल। चलो फिर मिलते हैं आगे। गाड़ी से उतर चुके हैं और अब अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं यहाँ से। अगर ट्रैफिक लगा हुआ तो हमको पहले ही नहीं उतार दिया सामने वाले ने। इतना गंदा ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता ये गोरीकुंड का पानी है। टाइमलेस बना रहे हैं, इतनी देर में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा। हाय गाइस, हाय गाइस, ये बंदा थक गया है। गाइस, अगर आप ट्रैकिंग करने आ रहे हो तो बस एक ही है कि आप थोड़ा सेफली ट्रैवल कर ट्रैकिंग करना और स्टार्टिंग में फास्ट ना करें, बस धीरे धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या है कि चढ़ाव में भी सांसें फूलने लग गई है, तो इसकी हो सके स्लो और कम सामान लेकर ट्रैकिंग करें। ये गोरीकुंड आए हैं हम, गर्म पानी का कुंड है यहाँ पे। आए काफ़ी लोग स्नान करते हैं, अब भी करके देखें एक बार। देखो भाप निकल रही पानी की। हम फिलहाल हमने पहला हमारा स्टॉप ले चुके हैं, कष्ट के लिए खेद है, हम यहाँ पे फिलहाल अभी रह सकते हैं। हाँ, बाकी सब दूर खेद है, कष्ट के लिए खेद है, आप देख सकते हैं कि भाई लोग हम पहुँच चुके हैं यहाँ, अभी थोड़ा सा आगे आ गए हैं। हमने पहला स्टॉप लिया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, देख मजा आ रहा है। हम दो पिट्टू, ये तो पिट्टू है, अभी अभी ये पिट्टू चेंज हो गया है, ये वाला पिट्टू अब पिट्टू उधर बन रहा है, ये भाई पिट्टू बन रहा है। हमारे ड्राइवर साहब और लोकेन भी आ, ये पिट्टू है। क्या शानदार नजारा है, क्या शानदार नजारा है।
अक्षय भाई को ठंड लग रही है, बाकी सबको भूख लग रही है। सॉस भी आ गया पराठे के साथ। दिल खुल गई सबकी, बैठे मोबाइल के लिए। जेब में रखा है, एक बंदा मोबाइल चार्ज कर रहा है। हमारा कैंप है, चार किलोमीटर पीछे बैठे हैं और टेंट में छुटरा के सब सो गए थे और करीब अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और बस अभी हमारी यात्रा प्रारंभ होगी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे में फिर बाबा के दर्शन के दरबार में जाएंगे और सबको वीडियो कॉलिंग के दर्शन कराएंगे। भाई साहब हम आपको नजारा दिखाएंगे, नजारा देखो आप इस तरफ देखो, देखो, अरे देखो तो ये देखो, ये देखो तो वो वाले पहाड़ पे बर्फ, ये देखो गाइस, हम फिलहाल बस पहुंचने ही वाले हैं, 2 किलोमीटर और है, क्यों 2-4। ऐसा थोड़ी होता है, दिखना चाहिए कि इसमें। हेलो गाइस, आखिरकार हम मंजिल तो पहुंचने ही वाले, काफी संघर्ष के बाद नीचे देख के अच्छा फील हो रहा है। चल के आखिरकार पहुंच गए बेस कैंप, आर्मी कैंप, आर्मी कैंप है पूरा। और यहाँ से मंदिर दिख रहा है हमको, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है बस। थक गए भैया? हाँ भैया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, रात तक बैग बहुत भारी हल्का था, अभी अब भारी हो गया है ना। हाँ। ये स्थिति हमारे साथ भी हुई थी, तो आप कैसे हंसी उड़ा रहे थे हमारी, है ना? लग रहा है उस जम पे बर्फ जम गई है ना, ऐसा ही लग रहा ना सर। बड़ी हो गई पालने में ऐसे तू झूलती रहे। हाँ तो भाई लोग, हम पहुंच चुके केदारनाथ मंदिर। ये मंदिर है, काफी भीड़ थी, हम लोग सीधे लाइन में लग गए, बारिश भी हो रही थी तो वीडियो भी नहीं बना पाया, देखना। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोले भगवान शिव की जय। बोल 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 बोल।
दर्शन मिले। हेलो, हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ जी से बद्रीनाथ। भाई साहब के मामले गंभीर हो गए थे अभी थोड़ी देर पहले, दोनों भाई साहब सोए हुए हैं, ये तो मुंह खोल के सोए। बस अभी टाइम नहीं मिल पाया, थकान ज़्यादा हो रही थी। अब आगे देख रहे हैं, जैसा भी होता है बताएंगे। एक और सलाह देना चाहेंगे कि भैया आप ये सोचो कि हमें स्टेमिना है, हम पहाड़ चढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं मत करिए, 5,000 रुपये बस खर्चा करिए, हेलीकॉप्टर में बैठिए, आना जाना दोनों 5,000 में मैक्सिमम, मतलब 5,000 रुपीज, बाकी चार्जेस उससे कम ही है। आपके टाइम की भी बचत, आप कैंप लेना के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको होटल का रूम भी लेते हैं तो भी वो आपको 4,000 में कैंप मिलेगा, 5,000 में कैंप मिलेगा, होटल आपको 6,000-7,000 में मिलेगा। कैंप मिल रहा है 500 रुपये पर हेड, मतलब एक पर्सन का 500 रुपये, तो वो छोटा कैंप है। हाँ, और अगर होटल बुक करते हो, होटल में रूम लेते हो, तो आपका अभी का टाइम का बता रहा हूँ, आप दो जन भी जाओगे तो भी आपको 4,000-5,000 रुपये। गर्म पानी की बाल्टी का रेट बढ़ गया है, 100 रुपए से 150 रुपए हो गया, 150 रुपए है गर्म पानी की बाल्टी, पानी की बोतल 70 रुपए की हो गई है 50 रुपए से। हाँ, तो आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप 5,000 रुपए खर्चा करिए और पानी की बोतल कहीं भी रखिए मत, क्योंकि रिटर्न देने पर 10 रुपए वापस मिलेंगे आपको। क्यों? हाँ, अपन ने कितनी छोड़ी? अपन दो बोतल छोड़ दी, हमारा 20 रुपए का नुकसान, बट वो भी हमने कैंप में छोड़ी है। कैंप में नहीं छोड़ी, होटल में छोड़ी, कैंप में मैगी खाई थी जहाँ पे अंकल के पास रात में। चलो वो भी रिफिल करवा दे। हाँ, तो आप तो कुछ मत करिए, आप तो बस हेलीकॉप्टर से जाइए, आपके बहुत पैसे की बचत हो जाएगी। या तो फिर 1,20,000 में 4 धाम हो जाएंगे छोटे वाले, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। आप बचत देखिए, आप 4,000-5,000 के होटल लेंगे मतलब नहीं है, इससे अच्छा आप वही चीज पेमेंट यहाँ हेलीकॉप्टर वाले को दे दीजिए, तुरंत ले जाएगा, दर्शन कर लीजिए, दर्शन करके वापस आ जाइए, एक दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नाइट का भी दर्शन किया, दिन का भी दर्शन किया, शाम के आरती में भी थे। आप पैदल जाने के लिए सोचेंगे तो आपको कम से कम वहाँ पे लगेंगे 6,000-7,000 रुपए होटल के, और हमको जाने में टाइम लगा था 9 घंटे और आने में टाइम लगा है 5 घंटे। उतर हम जल्दी गए थे, हालत देख रहे हैं क्या हो रही है। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से उतरना चालू किया था, 12:30 बजे वापस, 12:30 बजे तक हम उतरे, उतर गए थे। 11:30 बजे टैक्सी स्टैंड पे आ गए थे, हमारी गाड़ी तक आने में हमको 1 घंटा लग गया, 12:30 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं आगे। ओके, बाय बाय। बाय बाय बोलो। बाय। चुकी थी तो मैंने वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगा, कुछ दिख ही नहीं रहा था रोड पे। हम लोगों ने रूम लिया यहाँ पे 11:00 बजे, 11:15 बजे।